बारहवीं के नतीजे आने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की दौड़ भी शुरू हो गई है। सोमवार 2 अगस्त से अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली कट ऑफ लिस्ट कब तक जारी हो सकती है और कोरोना को लेकर क्या गाइडलाइन रहने वाली है, आपको बताते हैं। बारहवीं के नतीजे आ चुके हैं, अब बारी दाखिले की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अब इस टास्क के लिए तैयार है। कोरोना काल है लेकिन सवाल बच्चों के भविष्य का है, लिहाजा एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हर एक सीट के पीछे 5 आवेदक होते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है ये क्योंकि काफ़ी चुनौतीपूर्ण है सभी के लिए और मुझे नहीं लगता कि पिछले वाले वर्षों को देखते हुए इस वर्ष में इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आने की उम्मीद है। तो कंपटीशन तो ज़रूर ज़्यादा रहेगा, उम्मीद तो यही करते हैं कि सभी जो अच्छे छात्र जो छात्र हैं जिनके अच्छे नंबर आए हैं उन सबको मौका मिलेगा हमारे यहाँ दाखिला लेने के लिए। इस बार का एडमिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार बिना एग्जाम के नतीजे आए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि कट ऑफ लिस्ट भी 100% के करीब रह सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है? दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 3 अतिरिक्त सब्जेक्ट जोड़े गए हैं। DU में कोर्स की संख्या 13 हो गई है। कुल 91 कॉलेज में 70,000 एडमिशन की सीट है। हर साल विश्वविद्यालय के लिए 3 से 4 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। एडमिशन फॉर्म में इस बार ये भी पूछा गया है कि स्टूडेंट वैक्सीनेटेड है या नहीं। 70,000 के आसपास टोटल सीटें हैं, किस तरह का एडमिशन प्रोसेस होगा, क्या कट ऑफ भी ज़्यादा जाने की उम्मीद है? हाँ, निश्चित रूप से कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, लेकिन हमारा जो प्रक्रिया है प्रवेश की उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और हम विशुद्ध मेरिट के आधार पर छात्र छात्राओं को दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन देने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 10 सितंबर के आसपास से शुरू हो जाना चाहिए हमारा ये पहली लिस्ट को आने का जो प्रक्रिया है, और जैसे हर साल होता है हम एक लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, चौथी लिस्ट ऐसे निकालते चले जाएंगे। दाखिले की दौड़ में कहीं महामारी का संक्रमण ना फैल जाए, इसीलिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अगर गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस में परिवर्तन हो तो हो सकता है अक्टूबर से खासतौर पर जो 80% दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचिंग स्टाफ है जो वैक्सीनेटेड है, उसके अलावा स्टूडेंट जो वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए क्लासरूम स्टडीज़ की शुरुआत भी हो जाए, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि तीसरी लहर की आहट महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक समेत कई राज्यों से दिखने लगी है। ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिशन एडमिशन भले ही शुरू हो गया हो लेकिन क्लासरूम स्टडी के लिए अभी और इंतजार करना होगा। एडमिशन में पहली बार होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, जिसमें स्टूडेंट अपने सवाल चैट बॉक्स से पूछ सकते हैं। DU में दाखिले के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अगर हालात ठीक रहे तो इस बार एडमिशन में ये भी टिक करना होगा कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, ताकि आने वाले कुछ महीनों के अंदर शैक्षणिक कार्य की शुरुआत ऑफलाइन तरीके से यानी क्लासरूम एजुकेशन के जरिए भी की जा सके। योजना पवन तिवारी के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।